अनमोल वचन ज्ञान वाणी। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल चैनल। आज बात करने वाले हैं भगवान श्री गणेश को क्यों नहीं चढ़ाते हैं तुलसी। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह एक तुलसी से होता है, वही तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है। इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। पर ऐसा क्यों है, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा भी है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी काल अवधि में धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश को दो विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का साप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और अगली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें, जो वीडियो के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इससे आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको बारी बारी से मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद।